नमस्कार असं म्हणतात की मुंबई टेनिस क्रिकेटमध्ये बरेच फलंदाज आहेत मी असं म्हणेन की क्रिकेटमध्ये जेव्हा फलंदाजीची गोष्ट येते तर फलंदाज मॅच्युअर होतात एका कालांतरानंतर न्तर ते ज्या ज्या पीकला पोहोचतात त्यांच्यासाठी त्यांना बराच एक्सपिरियन्स लागतो आणि त्यानंतर त्या उंचीवरती ते, ते पोहोचतात पण आजच्या घडीचा एक उत्कृष्ट असा मुंबईचा फलंदाज जो डायरेक्ट पीकवरतीच ज्याने एंट्री केली असं म्हणायला हरकत नाही आहे मोस्ट फिअरलेस क्लासिकल आणि ज्याने मुंबईचा झेंडा आज फलंदाजीबद्दल वर फडकट ठेवलेला आहे तो आपल्या भेटीला येत आहे मी भेटणार आहे आजच्या मुंबई टेनिस क्रिकेटचा सुपरस्टार फरदीन काझी हाय गाईस डी स्पोर्ट्स मीडिया चॅनल को सबस्क्राईब करो लाईक और, और शेअर करो फरदीन थँक्यू व्हेरी मच जॉईन करणे ये बघा फरदीन तू कॉमर्स ग्रॅज्युएट है नॉर्मली ग्रेजुएशन के बाद यू नो लड़के कोई करियर चुनते हैं कोई फील्ड चुनते हैं बट फरदीन काजी ने क्रिकेट ग्राउंड चुना वो भी टेनिस बॉल क्रिकेट ऐसा क्यों ऐसा मतलब मेरे को लग रहा था कि मेरे में पोटेंशियल है कि मैं कर दूंगा तो मैंने घर वाले बहुत पीछे पड़े थे कि जॉब ढूंढ ले तो मैंने बोला कि मेरे को एक दो साल और दे दो इतने साल दे दिए तो और एक दो साल दे दो क्रिकेट के लिए शायद कुछ हो जाए ऐसा मेरे को लग रहा था कि कुछ हो सकता है ऐसा okay. मैंने तो इसके लिए मैंने घर पे बोला कि एक साल एक्स्ट्रा दो और लकीली टेनिस बॉल क्लिक हो गया तो घर से पूरा सपोर्ट मिला खेलने के लिए हाँ घर से हमेशा ही सपोर्ट मिला मतलब ऐसा कभी नहीं था कि इधर मत जा उधर मत जा बस ऐसा था कि स्टडीज कंप्लीट कर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो कुछ कोर्स करके जॉब करने का था क्रिकेट खेलने के लिए सपोर्ट था पूरा सपोर्ट था, तो था। ऐसा तो नहीं कि थ्री इडियट में जैसे वो बोमन ईरानी ने उठाया बच्चे को ऐसा तेरे अब्बा ने उठाया और बोला कि क्रिकेटर बनना है क्रिकेटर बन नहीं, नहीं ऐसा नहीं क्योंकि डैडी भी क्रिकेट खेलते थे उनके टाइम में तो डैडी को ऐसा था कि लड़का खेलता है तो थोड़ा खेलने दो मतलब मम्मी थोड़े स्ट्रिक्ट थे कि स्टडीज करो स्टडीज करो लेकिन डैडी थोड़ा सपोर्ट में थे

पुराना जो बॉल, वो देखा था कभी ये बॉल से खेलते हुए नहीं नहीं देखा संतु सर को एक बार देखा था मतलब मैं बड़ा सही में था और तभी हम लोग डीएन नगर खेल रहे थे तो संतु सर हमारी टीम में खेलने आ रहे थे और तभी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हमारा दिन खराब था मेरा दिन काफी अच्छा था कि ये प्लेयर लेट पहुंचे रहे थे और वहां पे मैच स्टार्ट करना था तो मेरे को शंतु सर की ओपनिंग करने मिला था क्या बात तो मैंने शंतु सर मतलब मैंने कभी देखा नहीं था मैंने सबसे सुना था कि शंतु सर बहुत इजी बैटिंग करते हैं तो मैंने जब उनको बैटिंग करते टाइम पे देखा नॉन स्ट्राइक से तो मैंने ऐसा मतलब उनसे बात नहीं कुछ किया लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि बैटिंग इतनी ईजी है नहीं जितनी आप कर रहे हो मैंने मैच के बाद बोला भी ना सर बैटिंग इतनी ईजी है क्या आप बैटिंग इजी करते हो तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है उसका अंदाज ही वैसा था संतु का तो और कौन से पुराने प्लेयर्स हैं जिनको कभी देखा है ज्यादा तो नहीं है लेकिन मैं बोलूंगा ऐसा खेला हूँ भरत दा और असलम भाई के साथ ओके क्योंकि जब मैं ब्रह्मा बॉयज में खेल रहा था तो असलम भाई और भरत दा असलम शेख हाँ दोनों जन तब थे और तब वो जो उनसे क्रिकेट सीखने मिला वो भी काफी मतलब लाइट चेंजिंग बोल सकता मैं भरत भरत लोहार और असलम शेख ओके भरत दा को मैं कभी भी ऐसा पूछता भी, भी तो नहीं ये गलत किया वो सही किया तो वो दोनों से काफी कुछ सीखने मिला और देखा मैंने जावेद भाई को ओके। जावेद भाई के साथ भी एक्चुअली खेला अच्छा और उसके पुराने मतलब मैचलेस राहुल

हो गया है तो अब शायद लेग ब्रेक ऑफिस आ सकता है ओके okay. आया लेग ब्रेक ही लेकिन इतना बड़ा टर्न हुआ कि मतलब बैट के पास से गया फिर मैंने लास्ट बॉल सोच लिया क्या भी ये कुछ भी डाले मैं सिर्फ स्वीप ही मारने वाला ओके आगे जाके हाँ. और लकीली वो बॉल स्वीप मैंने सोचा मारा और वो बाउंड्री चला गया ओके सो तूने उन उन क्रिकेटर्स क्वेश्चन तू का बोला महेश मकवाना का बोला सो so, वो अगर उनके पीक में शायद खेला होता तो कुछ और ही होता शायद ओके सो मैं ये जैसे मैंने बोला कि यार हाफ द एज ऑफ माइंड 25 साल का है फरदीन। सो so, कौन से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिसको देख के यू वर इंस्पायर्ड टू प्ले क्रिकेट हमेशा मैंने दो ही क्रिकेटर को देखा है मतलब देखा मैंने जितना नाना को नाना को नॉन स्ट्राइक एंड से देखा उतना शायद किसी ने नहीं, नहीं देखा होगा प्रथमेष पवार हाँ। क्योंकि हम लोग साथ में इंटर खेलते थे और फिर मैं YouTube पे देखता था ओमकार देसाई okay. ये दो जन को ही देखता था दोनों की कोई इनिंग्स जहां पे तुझे ऐसा लगता है कि यू नो यू आर इंस्पायर्ड नाना की एक इनिंग शक्ति चषक के एग्जीबिशन मैच वाली ओके okay. रायगढ़ वर्सेज मुंबई के मैच में ओके okay. वो वाली इनिंग मतलब वो अभी तक मैं भूल नहीं सकता जो स्ट्रोक खेले थे नानो ने और फिर ओमी की देवगढ़ वाली इनिंग अगेन डिंगडोंग फाइनल मैच ओके okay.

जब मैं नहीं था कॉलोनी की टीम में जब मैं बाहर जाता था खेलने और कॉलोनी के मैचेस होते थे हमारे शिवड़ी में तब ये बंदा अकेला टीम को संभालता था इतने यंग एज में मतलब हालांकि वो तभी इलेवेंथ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में था लेकिन वो अकेला बंदा टीम को फाइनल तक लेके गया बिना मैं बिना रह के भी टीम में वो अकेला वो टीम को लेके जाता था फाइनल में तब थोड़ा सा मुझे रियलाइज हुआ कि यह बंदे में कुछ है स्ट्रेंथ की कमी थी लेकिन वो स्लोली स्लोली उसने वो डेवलप किया स्ट्रोक्स उसने देखोगे आप तो हमारा जो बॉम्बे का क्रिकेट है वो पूरा बंद ग्राउंड का क्रिकेट है और हमारे यहाँ तो पूरा बंद ग्राउंड है मतलब सब ऐसे बिल्डिंग पे चढ़ाने वाला क्रिकेट है लेकिन इसमें भी उसने खुद को बोलते हैं ना डेवलप किया उसने पूरे 360 डिग्री खेलने की पूरा मतलब उसने उसको ऐसा डेवलप किया कि भी वो रिवर्स खेल सकता है पीछे स्वीप मार सकता है कवर्स खेलता है तो ये सब उसने खुद को डेवलप किया तो अभी अभी लगता है कि यार ये बंदा को प्रमोट करके बहुत अच्छा हुआ क्योंकि ये बंदा अभी जाके बॉम्बे का नाम कर रहा है अगर कोई बंदा अपने को फॉलो कर रहा है और अपना ही है तो उसको प्रमोट भी करना चाहिए तो इसीलिए मैंने हमारी जो टीम थी साई इलेवन उधर उसको पहले तो लेके गया मैं दत्ता भाई के पास ये अपना ही शिवड़ी का लड़का है अच्छा खेल रहा है देखते हैं चांसेस तो देंगे अपनी ही टीम है तो फिर उसको उधर से प्रमोट कर रहे फिर साई इलेवन में खेला फिर उसके बाद साई इलेवन जब बंद हुई तो फिर मैंने खुद की टीम चालू की जैसे आपको पता है मैग्निफिशेंट नवी मुंबई वहाँ पे वो बंदा इतने चांसेस मिले नहीं फ्रँकली स्पीकिंग उसको ओपनिंग बहुत कम मिली थी लेकिन जिधर भी उसको मौका मिलता था वो परफॉर्म करता था फरदिन काझीला मी जेव्हा पहिल्यांदा चिपरूलला खेळताना बघितलं होतं जोडी रोनाल्डोजी पण खूप चांगली बॅटिंग तेव्हा मी किसनला बोललो होतो की हा पुढे जाऊन एक मोठा प्लेयर होऊ शकतो आणि तसं मी टीडी स्पोर्ट्स मीडियाच्या एका इंटरव्ह्यूमध्ये पण मला सांगितलं होतं की फरदीन काझी सेया कदम हे असे एक दोन प्लेयर्स आहेत ते पुढच्या काळामध्ये मोठे प्लेयर्स होऊ शकतात आणि त्याची एक इनिंग मला आठवते शिरव न रबर बॉल तो एसपी मध्ये खेळत होता आणि त्यांनी खूप चांगली बॅटिंग केली होती दोन गट्सी बॅट्समॅन मुंबईचे ओके आ, इसके अलावा मैं अगर पूछू अभी यू पु ब्रह्मा बॉयस का नाम लिया और अभी तो देखते हैं तो फरदीन यहाँ भी खेलता है वहां भी फरदीन का पहला प्यार क्या कौन सी टीम मैंने स्टार्ट किया था बड़ा सही से मतलब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो टीम ऐसी थी के आउट ही नहीं होते थे तो किसको चांस ही नहीं आता था बुमरो लारा फिर नाना अजीत ये सब खेल रहे थे सती दुलेसर जब मैं ज्वाइन किया तब तो उसमें मेरे को इतना चांस नहीं मिला और अगर मैं देखने गए तो मेरा ऐसा मतलब प्यार जो टीम है वो फोर्थ स्ट्राइकर है ओके okay. सो so, चलो तूने थोड़ा सा बड़ा साई का बात किया जर्नी कैसे शुरू हुई टेनिस बॉल क्रिकेट की टेनिस बॉल की जर्नी स्टार्ट हुई हम लोग मैं जहाँ पे रहता था शिवाजी नगर में वहाँ पे मैं ऐसे नॉर्मल क्रिकेट जैसे सब खेलते हैं नॉर्मल ग्राउंड में खेलते थे खेलते थे तो हमारा इंटर का टीम था मतलब तो वो सब ऑलमोस्ट थर्टी टू थर्टी के पार थे Okay. और जो हम लोग खेलते थे तो वो वो ही खेलते थे इंटर मतलब हम जाते थे सिर्फ संडे को मैचेस देखने तो ऐसा तीन चार संडे हो गया हम जा रहे थे तो जो दो तीन जन थे और नाना भी था तो वो लोग ने बोला कि क्यों अप नहीं अपन सब नए बच्चे लोग जो प्रैक्टिस करते उनको चांस दे तो सब लोग ने बोले नाना अगर तू खेलेगा तो हम लोग पैसा निकाल के सब लोग दोस्त लोग एंट्री कर देंगे तो बोला नाना बोला ठीक है अगर तुम लोग सबको पूछो तो फिर ऐसा हुआ हम लोग का तो मैं हम लोग गए प्रैक्टिस तो हम लोग रोज करते थे डेली किधर करते थे हम लोग का ग्राउंड था शिवाजी नगर का छोटा अच्छा। ग्राउंड था हम लोग उधर हम लोग प्रैक्टिस कैसे आता था ये पूरा मिड विकेट बन अच्छा सिर्फ सामने और कवर्स रन अच्छा वैसा था तो हम लोग एक संडे गए तो ऐसे मीटिंग हुआ फिर खेले हो गया सब हो गया तो एक तो पहला संडे तो हम लोग हार गए सब यंग सबसे छोटा मैं था फिर उसके बाद एक एक दो टूर्नामेंट के बाद हमारे शिवडी में एक नाइट टूर्नामेंट होता है तो वो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है okay. तो उसमें हम लोग पहला, मैं, मैं तो पहला ही साल था और वो टूर्नामेंट भी पहला ही था हम लोग खेल रहे थे तो तभी वो रूल था पावर प्ले फर्स्ट ओवर पावर प्ले आप जितना भी मारो डबल अगर विकेट गया तो कुछ भी मतलब जितने रन है उतने ओके okay. तो हम लोग को सेवेंटी फाइव या सेवेंटी सिक्स चेस करने को आए थे कुछ तो नाना स्ट्राइक पे था नाना ने पहला बॉल खेला सिंगल फिर मेरे को स्ट्राइक आई फिर मैंने कुछ तो पांच बॉल में उन्नीस बीस रन कर दिया था तो रन हम लोग के डबल डायरेक्ट फोर्टी वन फोर्टी टू हो गए तो जर्नी oh. वहाँ से स्टार्ट हो गई ओके okay. फिर नाना के थ्रू खेलने लगा खेलने लगा फिर इंटर के मैचेस फिर एक बार मैच हुई दत्ता भाई की टीम से ओके okay. चिवड़ी में दत्ता मतलब अभिजीत कदम दिलीप नहीं बले। वो बड़ा सही वाला टीम ओके। दत्ता भाई का इंटर लोकल टीम शिवड़ी का शिवड़ी का आ... दत्ता भाई पहला मैच हुआ के बाद हमारा मैच हुआ दत्ता भाई के साथ तब दत्ता भाई में दत्ता भाई खुद और अजय सरोज बच्चा तभी वो ब्रिलियंट बॉलिंग मतलब क्रिकेट खेलता था तो मैंने उनके सामने बैटिंग किया

मेरे को टीम तो में वो ऐसा कौन सा मोवमेंट था यू you नो know, कभी कभी ऐसा एक ट्रिगर मोवमेंट होता है कि कि इसके बाद लगता है कि यस आई बिलोंग देयर मैं यहां खेल सकता हूं। ऐसा कभी हुआ बड़े क्रिकेट में में बिकॉज यू नो इतने यंग एज मुंबई टेनिस क्रिकेट में इतना फियरलेस प्लेयर फरदीन तेरे जितना वो कौन सा मोवमेंट था जो तेरे को ऐसा लगा कि मैं बड़ा क्रिकेट खेल सकता हूँ नहीं देखो एक्चुअली तो मैं बड़ा क्रिकेट तो मैं स्टार्ट बड़े डायरेक्ट बड़े क्रिकेट बड़ा सही में खेलना आया मतलब बड़ा क्रिकेट ही बराबर क्योंकि वो लोकल टीम नहीं थी प्रोफेशनल टीम थी तो मैं उधर से आया तो मतलब बहुत कुछ सीखने मिला मेरे को दत्ता भाई के थ्रू बुमरो अजीत था नाना था तो इनसे सब सीखने ही मिलता तो मैं इतना क्रिकेट खेलने नहीं मिलता था लेकिन कभी किसका बैटिंग नहीं आता फील्डिंग करने में ही जाता था करेक्ट दिलीप पाठ्या था बराबर है तो फिर मैं वो सब क्रिकेट खेलते खेलते उनसे सीखने मिला सब सीखने मिला तो मैंने सोचा कि नहीं खेल तो एक दो इनिंग आती थी रन नहीं हो रहे थे फिर लेकिन ब्रेक अगर तो अगर देखने गया तो गोरेगा ये गोरेगा में एक टूर्नामेंट था हिंदू सम्राट चषक ओके okay. तो उधर मैंने कुछ तो बेस्ट बैट्समैन दिया था ओके okay. फिर उधर से मेरे को लगा कि नहीं बड़ा क्रिकेट खेलना है तो डर को तो हटाना पड़ेगा डर <laughs> गया तो मैं बड़ा क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा इसके लिए अभी किसी को डरता नहीं <laughs> मतलब मैंने पहले से ही सोचा मतलब मेरे को नाना ने एक ही चीज सिखाया कि क्या होएगा ज्यादा से ज्यादा आउट होएगा

फरदीन काजी का अगर एज लगता है फरदीन गाजी पीछे नहीं देखता है ना अंपायर को देखता है जस्ट वॉक्स ऑफ़, ये, ये, ये okay. लोग लेकिन कैसा इंसान था अगर वो भूल गए तो तू गलत कर क्या बात है दैट इज आउटस्टैंडिंग सो जबरदस्त दत्ता ने फरदीन को ये सिखाया जबरदस्त खूब लान होता था वैसे फरदीन त्या टायमाला मला आमच्या आधी झाला बोलतो सगळेजण बोलत होते रे अच्छा डालत अच्छा आम्ही म्हणजे साईवाले खेळत होतो टायमाला तिथे ओपन टूर्नामेंट होती पंधरा हजार एक टूर्ना पंधरा एक हजारची असेल टूर्नामेंट त्यावेळेस त्यांनी आमच्या अगेन्स्ट आहे ना ऑब्रेक बॉलिंग टाकत होतो त्यावेळेस त्याचा म्हणजे मला असं वाटतं डेब्यूच असेल त्या टूर्नामेंटला दे तर त्यांनी कंटिन्युअसली ना साठ म्हणून आमचा बॅट्समन होता चांगला बॅट्समन होता त्याला तीन ऑब्रेक टाकून येणा डॉट तुर्ण टाकले त्यांनी त्यांना जरा कॅलिवर वाटलं असं बॅट्समॅन पण त्यानंतर बॅटिंग आला ना तो ओपनिंग आला ओपनिंगला आल्यानंतर पहिलाच बॉल साठवचा निघालेला बॉल एक स्पिन तो समोर पंचवरतीने बाउंड्री मारली आणि त्यानंतर तो दुसऱ्या बॉलला दोन कव्हरला मारून तो नंतर आउट झाला बोललो की तेरे को अगर आजचा क्रिकेट खेळणे काय तर से बाहेर आणा मग प्रबोधनला आला तो खेळायला आमच्यावर त्यानंतर त्याला दिसायला लागलं की गट स्पिन दिसायला लागल्यानंतर मग तो परामध्ये यायला लागला नरेपरला जेव्हापासून नरेपरला यायला लागला चांगला चांगला अटॅक असायचा संध्याकाळी प्रॅक्टिस चांगली खूप चांगली असायची वरच्या लेवलचे हो बॉलर्स असायचे त्यामध्ये खेळून 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 तो एवढा डेव्हलप झाला त्यानंतर जेव्हा आम्ही टुर्नामेंटला खेळायला लागलो त्याला टुर्नामेंटला यायचा तो टीम बरोबर कंटिन्युअसली ट्वेल्थ मध्येच असायचा असा जास्त करून पण ज्यावेळेस जेव्हा त्याला खेळायला दिली संधी मी त्यावेळेस त्याने खरोखर त्या संधीचं त्यांनी शोधन केलं आणि त्याला मी एक संग सगळ्यात चांगली गोष्ट काय सांगितलेली आहे मला क्रिकेटमध्ये पैसा किती येऊ दे तू पैसा घे क्रिकेट खेळा सगळ्यांनी पैसा पण क्रिकेटशी लॉयल पण राहिलं पाहिजे जर का आपण कोणाला कमिटमेंट करतोय की मी तुझ्या मॅचला येतोय तो फॉलो करते मत फॉलो करेल उसके बाद मैं अगर ऑफलेट फरदीन तो आई जो हमने देखा यू नो बिगेस्ट टूर्नामेंट और आ, लगा था आई में सिलेक्शन होगा हाँ ये साल जब हुआ तो मतलब पूरा गारंटी था कि नहीं मैं तो खेलूंगा क्या बात है लेकिन मैं ये कहूंगा मैंने प्रथमेश को भी पूछा ये बात नाना को कि तुम लोग तो बहुत नीचे थे यू नो हाँ. ऐसा लगा भी नहीं कि तुम लोग ऊपर आएंगे हाँ. वो मतलब तेरी और भाविश की इनिंग आउटस्टैंडिंग हाँ. कभी ऐसा बिलीफ था कि हम फाइनल तक जा सकते हैं उस उस टाइम तक जहां पे तुम कुछ नहीं कर रहे थे या नॉट नॉट अ गुड परफॉर्मेंस नहीं हम लोग पहला मैच खेले ना तो नाना ने तो नाना ने स्पीच दिया था नाना ने हकीम भाई ने कल्याणी सर थे और उमेश भाई थे इतना बड़ा स्टेज खेलने मिला है तो तुम लोग ये मत सोचो कि फाइनल खेलने का हम लोग या फाइनल जीतने का आ, मैच, मैच मैच खेलेंगे ना, तो हो जाएगा ओके तो हम लोग ने वही फिर टीम ने सोचा और हम लोग मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे थे के जो एक साथ खेले हुए थे मैं था रजत था मुन्ना भाई थे नाना था पाटिल था प्रदीप पाटिल था हुर था मतलब ये हम लोग साथ में क्रिकेट खेले पीटी पीटी जॉनसन फिर जॉन्टी सरकार राजू मुखिया कुछ दो तीन ही लोग थे जो मतलब एक साथ नहीं खेले या जानते नहीं थे तो माहौल टीम का मतलब हमेशा से हम लोग पहले दिन से जब गए थे ना तो पूरा अच्छा था कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन अच्छा था।, था मतलब हमको पता था कि कौन से टाइम पे कौन क्या कर सकता है भावेश नहीं। था मेन हम लोग का ट्रम्प कार्ड था भावेश करेक्ट सो so, वो वो मैच के टाइम पे क्या हुआ था तुम लोग को बारह बॉल चालीस या बयालीस करना था ना बारह मैं जब बैटिंग को गया तब तेरा बॉल फोर्टी फाइव था, था यार। हाँ, तो मैं बैटिंग को गया ना तो मेरे को इधर से इंस्ट्रक्शन यही था क्योंकि हम लोग क्वालिफाई कर देते हैं। बस हम लोग को इतना था कि बड़े मार्जिन से नहीं हरना था और वो टाइम पे मैं और भावेश ही बैट्समैन बचे थे बस बराबर तो हम लोग को मेरे को यही इंस्ट्रक्शन भावेश तो अंदर था मैं जब जा रहा था मेरे को यही था कि तेरह बॉल है पच्चीस रन करने को देखना किसने बोला था पूरी टीम में अच्छा जो मतलब जो हकीम भाई उमेश भाई नाना कल्याणी सर सब लोग ने यही बोला था कि 13 बॉल में 25 20 25 रन होना चाहिए ओके ज्यादा बड़े मार्जिन से हरना नहीं चाहिए क्योंकि मैच बहुत बड़ा था 13 बॉल 45 बराबर तो मैं गया पहला बॉल बाउंड्री मारा 12 बॉल 41 आया तो मेरा और भावेश का बात चल रहा था कि क्या करने का भावेश बोला देखते थोड़ा मैच

तुला सिंगल ने तो, ला, ला, नेक्स्ट ओवर भावेश भावेश ने, ने मे हाँ। <laughs> तो को पूछा मतलब भावेश को बिलीव था कि वो कर देगा भावेश इतने साल से क्रिकेट खेल रहा भावेश को बिलीव था कि वो कर देगा सिर्फ भावेश ने मे को उसके कॉन्फिडेंस ग्रो होने के लिए इतना पूछा काय करू Hmm. तो मैंने बोला भावेश बिंदास बैट घुमा हवा देख मत तू किधर भी सिक्स मार सकता है तेरे ताकत से भावेश बोला बस फिर भावेश <laughs> ने पॉइंट पे सिक्स मार दिया क्या बात फरदीन मैं डेफिनेटली तेरा इनिंग्स हम लोगों ने भी यहां पे घर पे बैठ के देखा अमेजिंग अमेजिंग इनिंग आप दोनों ने जो बैटिंग की मेरे को एक बात बता कि uh, जैसा मैंने कहा कि योर बॉय ऑफ अ मिलेनियम मोबाइल फोन लेके पैदा हुआ है और जिस तरीके से तेरा फैन फॉलोइंग है इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स पे अभी 286 के हो। क्या बात है याद रखता है सिक्स याद याद रखता है याद रखता है है कि फॉलोअर्स दोनों भी <laughs> अच्छा सो बिगेस्ट फैन मोमेंट अगर मैं पूछू तो कौन सा है मेरे लिए पर्सनली अगर बिगेस्ट फैन मोमेंट देखने गए तो मैं ये साल मुस्लिम समाज का टूर्नामेंट खेलने गया था पालघर और सब मतलब जफर भाई का टीम था डबल ए वाले सब सुपरस्टार थे टीम में उधर उस्मान भाई थे शाहिद भाई थे मुन्ना भाई थे साकिर काकू था सब लोग थे और उसमें वो लोग मेरे साथ फोटो निकालने आ रहे थे मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि उस्मान भाई के होते हुए मेरे साथ फोटो निकाल रहे मतलब मैं कुछ अच्छे अच्छा करते जा रहा हूँ कि लोग मेरे को इतना प्यार दे रहे और ये चीज मैं सोच रहा था और हम लोग पहले दिन जीत गए और मेरे को इमरोज था मेरे साथ तो इमो ने मेरे को बोला कुछ तो भी तू कर रहा है क्या उस्मान है? भाई के फोटो मतलब उस्मान भाई के होते हुए तेरे साथ फोटो निकाल रही कुछ तो अभी मैं मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ so हाँ। सारे लड़कियां कितनी फैन है फरदीन गाजी की लड़कियां तो नहीं है शायद शायद नहीं, नहीं, है। नहीं है। इंस्टा पे मैसेज नहीं आते है नहीं नहीं आते okay. so, uh, uh, सब अच्छी बातें तूने बताई कोई गलती फरदीन ने की हो क्रिकेट खेलते समय ऐसा लगता है गलती अभी तो तक? गलती तो रोज होती रहती मतलब वो मैच के टाइम पे हो जाती है गलती मतलब ऐसे इंटेंशनल गलती नहीं रहती okay. लेकिन वो हो जाती है बहुत सी चीजें ओके okay. हो जाती है बस मैं अगर फरदीन को पूछूं कि फरदीन की अभी तक की बेस्ट इनिंग जो तेरे को सबसे ज्यादा पसंद है सुप्रीम होगी ओके okay. सेमीफाइनल में हम हार गए थे Okay. लेकिन तो भी वो इनिंग मेरी फेवरेट है मतलब इतना मुंबई का क्राउड मैंने पहली बार देखा था कभी का कौन से साल की की है? पिछले साल का जब ही लास्ट हुआ था जब लास्ट हुआ था तब ओके okay. सामने उम्र में से तू खेला हाँ। था? Okay. हमारा मैच था तू श्रेयस हाँ, मैं श्रेयस उस्मान भाई मुन्ना भाई बराबर बराबर था हार गए थे उसके बाद वो दो साल वो फाइनल जीत गए थे और हमारा थर्ड साल था और हम सेमी में थे ओके सेमी में हारे थे सेमी में हारे थे so, फरदीन इतनी अच्छी बैटिंग करता है इतनी सारी इनिंग्स है कोई बॉलर जिसने फरदीन को स्लीपलेस नाइट्स दिया हो ऐसा तो मतलब कोई बॉलर नहीं है लेकिन मैं पहले जब ओपन क्रिकेट में आ रहा था तो मेरे को भावेश से बहुत डर लगता था भावेश पवार हाँ। ओके क्योंकि उसका एक्शन से वो समझता नहीं था कि टर्न डालने वाला है कि फास्टर वन डालने वाला है और भावेश हमेशा मतलब मैंने अभी तक मेरे टाइम पे नोटिस किया मेरे मेको फील्डिंग उल्टी लगाता है बॉलिंग उल्टी करता है ऐसा क्योंकि स्टम्प की, okay. तो की बॉलिंग, okay. बॉलिंग करेगा और अगर मिड विकेट लगाएगा तो मेरे को की बॉलिंग करेगा फरदीन अभी का क्रिकेट इतना फास्ट हुआ है मैं मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने पुराना क्रिकेट खेला है देखा है बट फास्ट uh, भी हुआ है और माला माल भी हुआ है कितना पैसा मिलता है मतलब अच्छा खासा पैसा मिल सकता है मतलब इंसान की लिविंग हो सकती है इतना पैसा मिल अगर ऊपर के लेवल का क्रिकेटर है ओके okay. तो आपका मतलब लाइफ चल सकती है मतलब यू कैन मेक लिविंग आउट ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट फॉर श्योर ओके अगर आप ऊपर का लेवल प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हो क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेट में कंटिन्यू मैचेस होते हैं टूर कंटिन्यू चालू रहते हैं और उसके बाद अभी आई एस बी एल भी आगे okay. तो आप लिविंग के लिए आराम से डेफिनेटली अभी मैं मतलब ऐसा बोल सकते कि करियर अगर किसको करना है तो कर सकते हैं मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ टेनिस बॉल क्रिकेट ही उसके साथ कुछ साइड बिजनेस करके तो वो हो जाएगा ओके तुमने टूर की बात की हाँ. आ, कितने टूर करता है काजी नॉर्मली मतलब एक एक सीजन में कितने टूर होते हैं मतलब गिन नहीं सकते इतने टूर होते हैं ओके okay. uh, देश के कौन से कौन से कोने में क्रिकेट खेला है ऑलमोस्ट टेनिस बॉल जिधर होता है वो सब स्टेट्स में खेला हम ऐसा बोलते हैं कि एक टाइम जब हम लोग खेलते थे हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोंकण जाते थे अलीबाग जाते थे उसके आगे हम कभी क्रिकेट खेलने गए थे सो इट इज गुड टू हियर दैट बट योर फेवरेट डेस्टिनेशन टू प्ले क्रिकेट मुंबई 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 क्या बात है ओके okay, तो मैं थोड़ा सा और पेनिट्रेट करता हूँ फेवरेट टूर्नामेंट सुप्रीम ओके okay. सुप्रीम और आई एस पी एल ओके okay. सुप्रीमो ज्यादा फेवरेट है क्योंकि नॉकआउट होता है ओके okay. तो कड़क जिगर लगता है खेलने के लिए <laughs> क्योंकि मतलब एक गलती अब टूर्नामेंट से बाहर हो करेक्ट और इतने लोग इतना मतलब वो माहौल कुछ अलग रहता है मैं अभी ये जब मैं खेला जब मैं बैटिंग को जा रहा था मतलब मैं बैटिंग को गया तब ऐसा सोचा था इतने लोग ऐसा कैसे होगा ओके फरदीन मुझे ये बता कि आ, मैं थोड़ा सा और तेरे को रैपिड फायर क्वेश्चंस टाइप पूछता हूँ तेरा फेवरेट बैट्समैन अपने आप के अलावा नाना ओमकार नाना ओमकार फेवरेट बॉलर इमरोज इमरोज सोच के ले रहे हैं उसको बुरा नहीं लगे ऐसा कुछ सोच के ओके <laughs> <laughs> फेवरेट कैप्टन प्रथमेश पवार क्या बात है एंड फेवरेट टीम तो तूने तुमने पता है टूर्नामेंट भी बता दिया सुप्रीमो ओके सो okay. so, मैं अगर एक आदमी चुनने चुनने के लिए कहूं कि जिसने टेनिस बॉल क्रिकेट में हु इंस्ट्रूमेंटल बिहाइंड यू जिसने तेरे को हेल्प की टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने के लिए वो कौन रहेगा एक नहीं है मतलब बहुत सारे ओके okay. जैसे कि दत्ता भाई हो गए hmm. नाना खुद हो गया hmm. ये मतलब ये दोनों ने काफी सपोर्ट किया ओके okay. कि खेलने में और फिर उसके बाद देखने गए तो जब मैं ब्रह्मा बॉयज आया तो बच्चू भाई और भाई गवस् थे जिन्होंने ah. बहुत चांदा बच्चू भाई और भाई गवस्थ के साथ असलम भाई थे भरदा थे मतलब वो खुद बैटिंग को नहीं जाते थे और मेरे को बैटिंग को बेचते थे ओके नहीं तू जा तू जा और फिर जैसे जैसे स्टार्ट थोड़ा और आते गया तो राहुल वाल्मीकि ओके okay. राहुल वाल्मीकि और उसके पहले ओके okay. uh, मैं अगर और एक सवाल करूं क्या यू नो रॉन्ग प्रैक्टिस टेनिस बॉल क्रिकेट में होते हैं क्या रॉन्ग प्रैक्टिस मतलब मैच uh, uh, हारने के लिए कोई खेलता है नहीं कोई भी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। मेरे मेरे अभी तक के मेरे शॉर्ट पीरियड में ऐसा अभी तक तो नहीं देखा वेरी गुड सो इट्स ऑनेस्ट क्रिकेट इट्स ऑनेस्ट क्रिकेट राइट कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉलिसूवमेंट तुझे लगता है कि और कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है फिलहाल तो देखो मेरे हिसाब से तो जो है वो अच्छा है लेकिन और हो सकता है मतलब जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है इम्प्रूवमेंट तो होते रहेगा वो ऑटोमेटिक तो पहले जो जैसा मैंने सुना हो कि पहले जो था और अभी जो है मतलब ऐसा नहीं पहले जो क्रिकेट था और अभी जो क्रिकेट है मतलब ऐसे जैसे भी चलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होते ही रहेगा ऑन डेली बेसिस फरदीन मुझे बता कि तूने इतना कम उम्र में इतना ज्यादा क्रिकेट खेला

और किसके किसका बुरा मत कर तो तेरे साथ बुरा नहीं होगा ओके। okay. और पैसे के मामले में नाम खराब मत करना और टेनिस क्रिकेट में होता है ये सब लेकिन तू जितना दूर बोलते मैं मानता हूं कि मुश्किल है लेकिन देखो तू अगर उस पर काबू कर लेगा तो अच्छा हो जाएगा तो मुझे ये बता तो परफेक्ट सुदत्ता ने जो बोला डेफिनेटली फैंटास्टिक पर्सन यार बहुत अच्छा इंसान है दत्ता तो क्या ऐसा होता है इसका मतलब कि लोग इनको इसको कमिट करते हैं दूसरे को कमिट करते हैं और दोनों जगह से पैसा ऐसा कुछ होता है कभी नहीं ऐसा नहीं होता है कि दोनों जगह कमिट कर दी ऐसा होता है कि अगर समझो आपने बोले दस हजार में आ जा खेलने क्योंकि अभी हारो हरों का टाइम चल रहा है तो अगर कोई किसी ने फोन कर दिया कि भाई मैं पंद्रह हजार देता हूँ मेरे में खेल ले तो मतलब वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है कुछ प्लेयर्स होगा तो फरदीन कभी करता है ऐसा नहीं कभी नहीं आज तक तो अभी तक तो कभी नहीं किया मतलब जिसको सबसे पहले कमिट किया उसी के साथ जाता है हाँ। और अभी फिलहाल मेरा ऐसे मैं मैं जिधर भी क्रिकेट खेलने गया तो तो मतलब मतलब मेरे लोग बंधे हुए कि मतलब जाऊंगा तो उनकी टीम में ही जाऊंगा जैसे जैसे मैं कोलकाता जाता हूं तो नील्दू भाई की टीम में ही खेलता हूं अच्छा ऐसा है और भारो अभी फिलहाल ओपन क्रिकेट वनराज भाई की टीम है बालाजी जिसमें मैं खेलता हूँ वो है और मुंबई का क्रिकेट मुंबई या मतलब इधर जिधर भी खेलते खेलतेपन साइड गए तो राहुल वाल्मीकि उसके आगे हम लोग मतलब आज तक तो कभी नहीं खेले अभी फिलहाल दो तीन साल में ओके okay. बस ऐसा है मुंबई में खेलना है तो राहुल की टीम में ही खेलना है okay. फिर कोई कितना भी पैसा दे कुछ भी करे लोग करते भी है फोन टीम में बोलते हैं कि हम लोग की टीम में खेलने तीन हजार चार हजार देते हैं मुंबई में खेलने का कोई पैसा नहीं देता है हम लोग दे रहे लेकिन हम लोग खेलते नहीं है कभी हाँ। क्योंकि राहुल ने हम लोग मतलब जो यंगस्टर है जो भी खेल रहे उनके लिए बहुत कुछ किया राहुल के साथ साथ अभी अहमद भाई जब से जब जब से हम हमारे साथ जुड़े तो ये दोनों बहुत मेहनत करते हैं सबके okay. लिए ओके okay. मुंबई में आ, कोई यंग प्लेयर्स जो तेरे को लगता है जो अभी उभर के आ रहे हैं मुंबई में एक हुर डेफिनेटली रोहित यादव है बॉलर हाँ शिवड़ी का सूर्या नायडू है सत्यम है okay. मतलब ऐसा है कि भीड़ सकते किसको भी मुंबई का क्रिकेट लेके okay. कुछ टाइम बाद मैं खोदू <laughs> नजमूल है हाँ। और एक सचिन कनौजिया करके लड़का है मतलब ये सब में से मेरा फेवरेट वो लेफ्ट है। लेफ्टी ऑलराउंडर है कौन सचिन कनौजिया आज उसने कैच पकड़ा है अपने रील देखे रहेंगे वो फील्डिंग इतनी आउटस्टैंडिंग करता है ना और लेफ्टी बैटिंग लेफ्टी बॉलिंग फील्डिंग उसको किधर भी कर खड़ी कर दो उसका एफर्ट कभी कम नहीं होता है वो मतलब ये सब में, में मेरा फेवरेट हुआ है ओके सो फरदीन मुझे बता कि आज का जो टेनिस बॉल क्रिकेट है हुँ. स्पिन डालने डालने वाले बॉलर चाहिए कि फास्ट डालने वाले चाहिए आज की विकेट के अभी जो विकेट बनते सब फास्ट बॉलिंग ही प्रेफर करते हैं ओके okay. अभी मुंबई में भी अगर देखने गए तो दो तीन टर्न बॉलर के सिवा कोई बॉलर ही नहीं जैसे। जैसे एक अंडे हो गया, हो गया। एक वो ही टर्न बॉलर है बाकी सब बॉलर के पास फास्टर वन है जोर से ही जोर से मतलब बहुत बॉलर है लेकिन उनके पास स्टॉक बॉल है फास्टर डिलीवरी अंडिया पूरा डिपेंड है मतलब वो जो क्रिकेट होता है टर्न वाला वो भाई पूरा है। मुझे ये कि तुम लोग टूर पे जाते हैं तो फेवरेट टाइम पास क्या है? क्या करते है करते हैं हैं टूर पे जाते तो मतलब हम लोग अगर अलग अलग टीम में भी खेलते रहेंगे तो हम लोग चार पांच जन अगर एक रूम में बैठ गए जैसे जैसे मैं इमरोज फिरोज अशरफ भाई बिलाल हो गया बिलाल शेख चीता कैम वाला हो गया श्रेयस हो गया प्रदीप पाटिल हो गया मतलब अगर हम लोग ये इतने लोग रह गए हम लोग को किधर जाने की जरूरत नहीं उधर ही टाइम पास हो जाएगा उधर रूम में ही मतलब मालूम भी नहीं पड़ेगा कि सुबह की रात कब हो गई ऐसा ओके okay, फरदीन बहुत, बहुत 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 शुक्रिया थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग या थैंक यू चल थैंक यू थैंक यू